Hello kids, welcome back. Today we are going to learn about prepositions. तो बच्चों prepositions क्या होती हैं? Prepositions वो words होते हैं जो किसी भी object की position को बताते हैं. कोई भी चीज़ कहाँ पर रखी है, ऊपर रखी है, नीचे रखी है, अंदर है, बाहर है, यानी कि उसकी position क्या है. तो आज हम सीखेंगे थ्री प्रपोजिशंस जो हैं. नंबर वन, इन. आई एन इन. इन मीन्स में, अंदर. इन जो वर्ड है, जो प्रपोजिशन है, वो कब यूज होती है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज के अंदर है तो आती है इन प्रपोजिशन. तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड इज इन द बॉक्स. यहाँ पर जो बर्ड है वो कहाँ है? जो ग्रीन कलर का बर्ड है वो कहाँ है? बॉक्स के अंदर. तो पोजिशन क्या है? इन. द बर्ड इज इन द बॉक्स. नेक्स्ट, O N on. O N on. On means ऊपर. ऊपर वाली पोजीशन के लिए हम on word यूज करते हैं. जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर रखा है तो यूज़ करते हैं हम on preposition. For example, Where is the bird? Bird कहाँ है? The bird is on the box. यहाँ पर position कौन सा word बता रहा है? On. तो कौन सी preposition का use हुआ? On. The bird is on the box. Next is under. U N D E R. Under. Under means नीचे. जब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के नीचे रखा हो तो हम यूज़ करते हैं अंडर का. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस पिक्चर में जो बर्ड है वो बॉक्स के कहाँ है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे. वेयर इज़ द बर्ड? द बर्ड इज़ अंडर द बॉक्स. जो बर्ड है वो बॉक्स के नीचे है. तो नीचे वर्ड के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करते हैं? अंडर. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी सम एग्जांपल्स. नाउ टेल मी किड्स, इन दिस पिक्चर वेयर इज द टॉय? इस पिक्चर में आपको एक टॉय नजर आ रहा होगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टॉय कहाँ है? Where is the toy? Very good. यहाँ पर toy की position क्या है? On. So we can say a toy is on an almira. Toy कहाँ पर है? Almira के ऊपर. Next. Where is the sparrow? Picture में आपको एक sparrow नजर आ रही है, वो कहाँ पर है? कौन सा word इसकी position बता रहा है? The sparrow is in the nest. किस में बैठी है sparrow? It is in the nest. The sparrow, a sparrow is in a nest. तो position किस word में? Position क्या है? अंदर. In. Where is the man? इस पिक्चर में आपको एक मैन नजर आ रहा है. क्या आप बता सकते हैं वेयर इज ही? कहां पर है वो? एंड द पोजिशन इज ऑन. और वो किसके ऊपर है? चारपाई के. सो द मैन इज ऑन अ कॉट. द मैन इज On a cot.
Now, here is another person. Can you tell me where is the man? आदमी कहाँ है? और इस पिक्चर में पोजीशन क्या है? अंडर, यानी कि नीचे. वो किसके नीचे है? द मैन इज अंडर अ शेल्टर. द मैन इज अंडर अ शेल्टर. जो आदमी है वो शेल्टर के नीचे है. नेक्स्ट. नाउ सी, हेयर इज अ वॉच, अ रेड कलर्स वॉच. नाउ कैन यू टेल मी किड्स, वेयर इज द वॉच? वॉच कहाँ है? एंड वॉच की पोजीशन क्या है? अंडर. वो किसके नीचे है? इट इज अंडर अ लैम्प. द वॉच इज अंडर अ लैम्प. वॉच जो है वो लैम्प के नीचे है. इन दिस पिक्चर हेयर इज अ जेब्रा. सो किड्स, कैन यू टेल मी वेयर इज द जेब्रा? जेब्रा कहाँ है? तो यहां पर जेब्रा की पोजीशन क्या है? इन. एंड द जेब्रा इज इन अ जू. जेब्रा कहाँ है? जू में. नेक्स्ट, वेयर इज द पेंसिल? पेंसिल कहाँ है? आप बच्चों देख के बता सकते हैं दैट वेयर इज द पेंसिल. तो पोजीशन क्या है पेंसिल की? वेरी गुड, ऑन. द पेंसिल इज ऑन अ बुक. जो पेंसिल है वो किसके ऊपर है? बुक के. नेक्स्ट, वेयर इज द मैन? मैन कहाँ है? ऊपर है, पेड़ के ऊपर है? नो. नीचे है? यस. सो द पोजिशन इज अंडर, और अंडर मीन्स नीचे. द मैन इज अंडर अ ट्री. मैन कहाँ है? ही इज अंडर अ ट्री. नेक्स्ट, अब आप ये पिक्चर देखिए. इस पिक्चर में आपको एक फिश नजर आ रही है. सो कैन यू टेल मी वेयर इज द फिश? फिश कहाँ है? पोजीशन क्या है फिश की? वेरी गुड, द पोजीशन इज इन. द फिश इज इन एन एक्वेरियम. फिश कहाँ है? एक्वेरियम के अंदर. और अंदर के लिए कौन सी पोजीशन यूज होती है? इन. नेक्स्ट, अब इस पिक्चर में आपको एक बर्ड दिखाई दे रहा है जो डाल पर बैठा है. कहाँ बैठा है? डाल के नीचे, डाल के ऊपर, या डाल के अंदर? वेरी गुड, द पोजीशन इज ऑन. द बर्ड इज ऑन अ ट्री. द बर्ड इज ऑन अ ट्री. नेक्स्ट, वेयर इज द पेन? इस पिक्चर में आपको एक पेन नजर आ रहा है. कैन यू टेल मी कि पेन कहाँ है? कैन यू टेल मी द पोजिशन ऑफ पेन? वेरी गुड, द पोजिशन इज इन. द पेन इज इन एन इंक पॉट. पेन कहाँ है? इंक पॉट के अंदर. नाउ टेल मी वेयर इज द गर्ल? आपको गर्ल नजर आ रही है ना? वेयर इज शी? कहाँ है वो? टेल मी द पोजिशन. एंड द पोजिशन इज, हर पोजिशन इज ऑन. द गर्ल इज ऑन अ बेड. गर्ल कहाँ है? बेड के ऊपर. नाउ इन दिस पिक्चर हियर इज अ बेबी. लुक एट द बेबी एंड टेल मी वेयर इज द बेबी? बेबी कहाँ है? बेबी की पोजिशन क्या है? वेरी गुड, बेबी की पोजिशन है अंडर. द बेबी इज अंडर अ फैन. किसके नीचे बैठा है बेबी?
फैन के, द बेबी इज अंडर अ फैन. नेक्स्ट, नाउ किड्स लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में हमें एक मैंगो नजर आ रहा है. कैन यू टेल मी वेयर इज द मैंगो? टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैंगो? वेरी गुड, द पोजीशन इज इन एंड द मैंगो इज इन अ बास्केट. मैंगो कहाँ है? इट इज इन अ बास्केट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. वेयर इज द एप्पल? कैन यू टेल मी किड्स वेयर इज द एप्पल? कैन यू टेल मी द पोजिशन? वेरी गुड, द पोजिशन इज ऑन. ऑन मीन्स ऊपर. कहाँ है एप्पल? टेबल के ऊपर. द एप्पल इज ऑन अ टेबल. नेक्स्ट, नाउ लुक एट द कैट एंड टेल मी वेयर इज द कैट. किड्स इन दिस पिक्चर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैट? वेरी गुड, द पोजीशन इज अंडर एंड वी कैन से दैट द कैट इज अंडर अ कॉट. कैट किसके नीचे है? इट इज अंडर द अंडर अ कॉट, चारपाई के नीचे. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, नाउ इन दिस पिक्चर हेयर इज अ मंकी. लुक एट द मंकी. वेयर इज ही? वेयर इज द मंकी किड्स? टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मंकी? क्या वो पेड़ के नीचे है, पेड़ के अंदर है या पेड़ के ऊपर है? वेरी गुड, इट इज ऑन द ट्री एंड द पोजीशन इज ऑन. द मंकी इज ऑन अ ट्री. Now look at this picture. Here is a doctor. And kids, can you tell me where is he? क्या वो शॉप पर है? Is he in school? या वो टेबल पर है? Tell me the position of doctor. And the position is in. The doctor is in a clinic. Doctor कहाँ होते हैं? Clinic में, hospital में. And the doctor is in a clinic. Now look at this picture. Here is a cobbler. Kids, can you tell me where is the cobbler? What is his position? Very good, under a tree. The cobbler is under a tree. Next, now you can see a matchbox in this picture. Now tell me, where is the matchstick? And what is the position of matchstick? Very good, the position is in. The stick is in a matchbox. Next is, look at this picture. Here is a gas stove and a kettle. यहाँ पर किड्स आपने केटल की पोजीशन बतानी है. टेल मी वेयर इज द केटल? वेरी गुड, द पोजीशन ऑफ केटल इज ऑन. सो वी कैन से दैट द केटल इज ऑन अ स्टोव. नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. यू कैन सी अ रैट इन दिस पिक्चर. Can you tell me where is the rat? Tell me what is his position? And the position of rat is under. और किसके नीचे है rat? जो rat है वो bed के नीचे है. So we can say the rat is under a bed. Next is, now look at this dog. And what is the position of dog? Tell me kids. Very good. And the position of dog is under. The dog is under a table. Next is, now in this picture, here is a mouse
and a lion. Now kids, can you tell me where is the mouse? Kahan hai mouse? What is his position? Very good. And the position is on. Jo mouse hai wo upar hai. Kiske upar hai? Lion ke. So we can say the mouse is on a lion. Next, in this picture, here is a toy. Yahan par kya hai? Toy. And what is the position of toy? Can you tell me, kids? Very good. And the position of toy is under. Kiske niche hai toy? It is under the table. So we can say the toy is under the table. Next picture is, look at this picture very carefully. Here is a girl. And now can you tell me where is the girl? Can you tell me her position? Very good, kids. The position of girl is in. Aur kiske andar hai girl? The girl is in a boat. Girl kiske andar hai? Boat ke. The girl is in a boat. Now, in this picture, yahan par hame bahut kuch nazar aa raha hai, jisme ek boy hai, two ox hai, and one cart hai. But I want to know the position of the boy. Now, kids, can you tell me where is the boy? Can you tell me his position? And his position is in. Kiske andar hai wo? Kisme baitha hai? The boy is in a cart. Boy kisme baitha hai? Cart mein. So kids, aaj aapne in sabhi sentences ko read karna hai. And you have to watch this video 2 times. Thank you, goodbye, and have a nice day.